18 में चुनाव की तारीख अब बदल चुकी है, 8 अक्टूबर को अब मतगणना होगी, 5 अक्टूबर को मतदान होगा हरियाणा में, यह बदल चुका है जम्मू और कश्मीर और साथ ही हरियाणा को लेकर। हरियाणा में दरअसल बीजेपी की तरफ से देखिए तारीख बदलने की मांग की गई थी और इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठक की गई थी। हालांकि तब खबर ये आई कि कोई तारीख में बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन जो रिजल्ट आना था 4 तारीख को दोनों ही राज्यों का, जम्मू कश्मीर और साथ ही हरियाणा का, अब बदल गया। हरियाणा में अब 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा और 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। अदिति मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, पहले भी छुट्टी वोटिंग डे से और उसके बाद भी छुट्टी, जो कि वोटिंग परसेंटेज को इंपैक्ट करेगा, ये बीजेपी की दलील थी। बदलाव क्या क्या है? देखिए, मतदान की तारीख हरियाणा में बदली है, चुनाव की तारीख हरियाणा में अब बदल चुकी है। पहले जो 4 तारीख को नतीजे आने थे, अब वो 8 अक्टूबर को आएंगे, यानी कि काउंटिंग अब 8 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही जो वोटिंग का डे है, अब वो 5 अक्टूबर को हो गया है, 1 की जगह 5 अक्टूबर को। ये आपको लेटर दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, जिसमें तारीखों में बदलाव किया गया है। इसमें लिखा हुआ है चेंज ऑफ डेट्स ऑफ पोल इन हरियाणा और इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर, हरियाणा। अच्छा, दोनों को लेकर है, जरा एक बार इस पूरे लेटर में कंफर्म करेंगे कि बदलाव क्या दोनों ही राज्यों को लेकर हुए हैं, क्योंकि हरियाणा को लेकर मांग की जा रही थी और 4 तारीख को नतीजे दोनों ही राज्यों के आने थे, जम्मू कश्मीर और साथ ही हरियाणा को लेकर भी। लेकिन इस प्रेस नोट में क्या लिखा गया, इस प्रेस नोट में यह लिखा गया है कि जम्मू और कश्मीर और साथ ही हरियाणा को लेकर चेंज ऑफ डेट ऑफ पोल इन हरियाणा एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा रिगार्डिंग। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जल्दी से मैं मुख्य बात पर आ जाती हूँ। डेट ऑफ काउंटिंग ऑन 4th फ्राइडे एंड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस ऑन 6th, दैट इज संडे। अब इसके साथ पहले जो फिक्स थी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर का जो तीसरे नंबर का फेस था, ये पहले अक्टूबर को फिक्स था, यानी कि ट्यूसडे को। जो डेट ऑफ काउंटिंग थी वो 4 तारीख यानी कि फ्राइडे की थी और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस था वो 6 तारीख का था। तो अब ये बदलाव एक आया है, इस पूरे लेटर की डिटेल्स क्या है, अदिति जरा जानकारी देंगी। अदिति, क्या ये चेंज सिर्फ हरियाणा के लिए है या फिर जम्मू कश्मीर भी? बिल्कुल, हरियाणा के लिए चेंज है। आप देखिए, पहले भी ये सवाल उठ रहा था कि क्या हरियाणा चुनाव की तारीखों में कोई तब्दीली होगी, तो ऐसे में हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों को में बदलाव लाने को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर चुनाव आयोग की अहम बैठक भी हुई थी और उसके बाद ये तय किया गया कि अब छुट्टियां होने के चलते ये जो चुनाव है उसकी तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले की आपने जैसे तारीखें बताई कि 1 तारीख को चुनाव होना था और 4 अक्टूबर को नतीजे आने थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिखी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई और फिर ये तब्दीली आई। अब 5 तारीख को चुनाव होगा और 8 तारीख को नतीजे आएंगी। चुनाव की तारीखों में पहले ये भी कहा गया कि कोई बदलाव नहीं होगा, तय तिथि पर ही होगा, लेकिन फिर जब चुनाव आयोग की बैठक हुई उसके बाद ये चीजें निकल कर आई कि और अब ये घोषणा आ गई कि चुनाव में बदलाव कर दिया जाएगा। आयोग ने पहले इस तरह की बात कही थी कि तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तारीख बदलने को लेकर चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव हो गया। 1 अक्टूबर से बदलकर अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना जो होगी वो 8 अक्टूबर को होगी। बीजेपी और इनेलो ने चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की थी, इनेलो जो वहां पर अभी चुनाव लड़ रही है उससे भी बदलाव की मांग की थी और उससे दरअसल वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी ये बात कही गई थी कि छुट्टी की तारीखें हैं इसलिए वोट प्रतिशत भी आता है। और ये तमाम बातों के बाद अब आयोग ने तारीखें बदल दी हैं, बैठक की चर्चा हुई और अब तारीखों में तब्दीली कर दी गई। ठीक है, मैं अदिति आपके पास आती हूँ। थानेश्वर मेरे सहयोगी भी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, अभी तो खबर आई थी कि हरियाणा में चुनाव की तारीख नहीं बदलेगी, 1 अक्टूबर को ही मतदान होगा, 4 को ही नतीजे आएंगे, लेकिन इसके साथ अब बदलाव हो गया है और न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह ये बदलाव हुए हैं और इसके साथ ही जो 3rd फेस है जम्मू कश्मीर का, उसकी तारीख बदली गई है। सबसे पहले हरियाणा को लेकर अपडेट आपसे ले लेती हूँ और इसका इंपैक्ट वोटिंग परसेंटेज पर उम्मीद है पॉलिटिकल पार्टीज को कि पड़ेगा, बेहतर होगा वोटिंग परसेंटेज।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, उम्मीद है पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों को कि इसका वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि शनि इतवार को छुट्टी है, सोमवार को 30 तारीख है, उसके बाद 1 तारीख को पोलिंग है। अब चूंकि शनि इतवार की छुट्टी है, 1 तारीख को यदि कोई छुट्टी ले लेता है तो मंगलवार की फिर छुट्टी है, उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 3 अक्टूबर को अगरसन जयंती है, तो पूरा सप्ताह जो है छुट्टियों में जा रहा था। छुट्टियों में पूरा सप्ताह जाए तो लोग वोटिंग की परवाह नहीं करते और घूमने के लिए चले जाते। और दूसरी तरफ विश्नोई समुदाय का एक विशेष फंक्शन होता है जो साल में एक बार आता है, मुकाम कहते हैं, जो राजस्थान में जाते हैं, उनकी उस फंक्शन में जाना हर परिवार से जरूरी होता है। हरियाणा में विश्नोई समाज काफी संख्या में है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि विश्नोई समाज का भी वोटिंग पर इंपैक्ट पड़ सकता है, वो मुकाम पर जा सकते हैं, जिस कारण वोटिंग परसेंटेज पर फर्क पड़ सकता है। इन्हीं सब फैक्ट्स को लेकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को एक ईमेल किया था। ईमेल के बाद चुनाव आयोग ने इस पर गहन चर्चा की, पूर्ण मंथन किया, उसके बाद बैठक हुई। बैठक के बाद अभी कुछ ही मिनट पहले इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज जारी करके ऑर्डर किया कि इसकी डेट चेंज कर दी गई है, ताकि जो छुट्टियों से जो उम्मीद थी कि वोट परसेंटेज कम होगी, वो वोट कम ना हो और वोटिंग अधिक से अधिक हो सके। जी ठीक है, थानेश्वर मैं लौटती हूँ आपके पास, जल्दी से एक बार क्विक अपडेट दे देती हूँ। हरियाणा में आप देखिए 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, जो काउंटिंग का दिन है वो 8 अक्टूबर का है, और जम्मू कश्मीर में भी 8 अक्टूबर को ही काउंटिंग होगी, यानी जो नतीजों का दिन है दोनों ही राज्यों में अब वो 8 अक्टूबर का रहेगा। हरियाणा में 4 की जगह अब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, और जो 1 तारीख को हरियाणा में एक ही फेज में वोटिंग होनी थी वो अब 5 अक्टूबर को होने वाली है, 5 अक्टूबर को वोटिंग हरियाणा में होने वाली है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में बदलाव क्या हुआ है कि अब जो जम्मू कश्मीर में 4 की जगह 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, ये काउंटिंग देखने को मिलेगी, 4 की जगह 8 तारीख को नतीजे आएंगे, ये बदलाव जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो चुका है। कुल मिलाकर ये चेंजेस हैं। अदिति भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है, थानेश्वर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अदिति अब इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो 3 फेज में जो वोटिंग होनी थी उसमें भी क्या कोई बदलाव है इसके साथ, क्योंकि काउंटिंग डे में तो है वो अब 8 हो गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वोटिंग डे में कोई चेंज है क्या? देखिए काउंटिंग तो दरअसल दोनों ही उसकी एक साथ होती है, और बदलाव के लिए कहा ये गया था, जैसे हम 5 दिन की लगातार छुट्टी का जिक्र कर रहे हैं कि 28 सितंबर, 29 सितंबर शनिवार रविवार, और फिर इस दिन सरकारी और निजी संस्थान बंद रहते हैं, 1 अक्टूबर को प्रदेश में वोटिंग होती, हम अगर हरियाणा का पहले बात करें तो, इसलिए एक इस दिन भी अवकाश होता, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और इस दिन भी अवकाश होता। और आपको याद है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के पीता है, आपने मैंने कई बार इस बात का ऑन स्क्रीन भी जिक्र किया है कि फ्राइडे को मतगणना जब मतदान होता है तो अक्सर फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी लेकर, या सोमवार को होता है तो सैटरडे संडे और मंडे की छुट्टी लेकर, और इसका पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिला जो कि लोकसभा चुनाव में, और इसी के चलते अब ये तारीखें बदली हैं। और जो काउंटिंग जो है वो दोनों की 8 तारीख को होगी, यानी कि लेकिन हरियाणा में चुनाव की तारीख को बदली है, 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 8 अक्टूबर को मतदान होंगे, तो काउंटिंग क्योंकि सेम होगी, एक पूरी उसका एक प्रोसेस होता है, इसलिए अब जम्मू कश्मीर में भी यही होगा कि 8 तारीख को ही काउंटिंग होगी, यानी नतीजे आएंगे, लेकिन उनकी तारीखें नहीं बदली हैं, उनकी तारीखों से वो 5 दिन की जो एक साथ छुट्टी थी उसका फर्क नहीं था। जब इनेलो और बीजेपी ने चिट्ठी लिखी थी तो हरियाणा की तारीखें बदलने को लिखी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की तारीखें वही हैं, लेकिन काउंटिंग अब दोनों के साथ होगी, वो 8 तारीख को होगी। ठीक है, लेकिन थानेश्वर ऐसा लगता है कि एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन जो है विपक्ष के सवालों में गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी ने जैसे ही ये कहा कि भाई वोटिंग डेट को आप बदलिए क्योंकि पहले और बाद में छुट्टी पड़ रही है जिससे वोटिंग परसेंटेज इंपैक्ट होगा, तो कांग्रेस ने ये कहा कि बीजेपी अपना जनाधार वहां पर खो चुकी है और इसीलिए चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाना चाहती है, और अब तो इलेक्शन कमीशन ने मांग मान ली है, तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि खुद इलेक्शन कमीशन विपक्ष के सवालों में रहने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस बार इलेक्शन कमीशन एक बार फिर भी विपक्ष के सवालों में आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने क्लियर शब्दों में कहा था कि कांग्रेस हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा था कि हमने तो यहां तक इलेक्शन कमीशन से कहा था कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव करवा लिए जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी। अब 1 तारीख को जो इलेक्शन हो, अक्टूबर को जो इलेक्शन की डेट घोषित की गई है, कांग्रेस ने कहा था कि इसका कहीं भी वोटिंग परसेंटेज पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी, इनेलो और जेजेपी ने लेटर लिखकर इलेक्शन कमीशन को कहा था कि इसका 5 दिन की छुट्टियां
मना रही हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया था कि विश्नोई समाज का जो त्यौहार है, जो राजस्थान के अंदर होता है, मुकाम जिसे कहा जाता है, वहां पर विश्नोई समाज जाता है और वो बहुत धूमधाम से उनका त्यौहार होता है। तो वो विश्नोई समाज चूंकि हरियाणा में काफी संख्या में, चूंकि भांगड़ की तो जो एरिया साथ में लगता है राजस्थान के साथ, बागड़ी एरिया जिसे कहा जा सकता है, जैसे चरखी दादरी हो गया, भिवानी हो गया, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, इस एरिया में काफी संख्या में विश्नोई समाज के लोग रहते हैं, वो सारे राजस्थान में अपने उस त्यौहार के लिए जाएंगे और हो सकता है वोटिंग परसेंटेज का उस पर भारी इंपैक्ट पड़े। आज इलेक्शन कमीशन ने पहले तो कह दिया कि कोई वोटिंग नहीं चेंज होगी, लेकिन आज एकदम जिस तरीके से वोटिंग चेंज की है, इससे इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर फिर आ जाएगा। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से भी यह बयान आने वाला है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को अप्लाइज करने के नजरिए से यह डेट चेंज की है।